बर्म टू ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर बैग पर लेबल पढ़ें, दादी मास बम्बई। इस पहले ने सुरक्षा भय का सामना किया क्योंकि हवाई अड्डे को घेर लिया गया था और यात्रियों को दूर कर दिया गया था। बुधवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों को बम से ब्रिस्बेन शब्दों के साथ बेदखल सामान बैग पर बैग देखा गया था। सामान का संदिग्ध टुकड़ा जिसने हवाई अड्डे पर सुरक्षा भय लगाया वास्तव में एक दादी के थे, जो बॉम्बे लिखने का मतलब बम नहीं था। 65 वर्षीय वेंकट लक्ष्मी को ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया फेडरल पुलिस के अधिकारियों ने बधाई दी थी, जहां उन्होंने मुंबई से यात्रा की थी। सुश्री लक्ष्मी की बेटी देवी ज्योतिराज, जो 10 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं, नयाहू न्यूज को पता चला कि उनकी मां को एक मिश्रण अप के रूप में क्या बताया गया था। मेरी मां ने मुझे बताया कि उन्होंने सोचा था कि वहां कुछ है और लोग डर रहे थे। उन्होंने उन्हें थैले खोलने के लिए कहा और पूछा कि यह बम क्यों कहता है, और उसने कहा कि यह बॉम्बे के लिए है। सुश्री लक्ष्मी, जो अपनी बेटी और उनके परिवार के साथ अपने जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया यात्रा कर रहे थे, अकेले उड़ने के बारे में परेशान थीं, और हवाई अड्डे को वह अपनी थैली से और उसके गंतव्य से लिखना चाहते थे। वह बम्बई से लेखन शुरू करने से पहले उसे एहसास हुआ कि उसे इसमें फिट करने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह बम में बंद हो गई और नीचे मुंबई के साथ ब्रिस्बेन को बम लिखा। हालांकि उसकी मासूम गलती ब्रिस्बेन हवाई अड्डे पर कई डरावना छोड़ दी गई, जहां सामान के हिंडोला के पास एक क्षेत्र को घेर लिया गया और यात्रियों को दूर कर दिया गया। यह बैग की एक पूरी गुच्छा के साथ था और मैंने शब्द बम को देखा। एक यात्री जो उसके बगल में हवाई अड्डे पर बगल में देखा। हालांकि सुश्री लक्ष्मी को ऑस्ट्रेलिया फेडरल पुलिस द्वारा एक साक्षात्कार में खींच लिया गया था, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि पूरी बात एक गलत फहमी थी, और उसके बैग की सामग्री की जांच करने के बाद उसे जाने दिया। सुश्री ज्योतिराज ने कहा कि उनकी मां ने उसे बताया कि बैग में कोई भौहें नहीं उठाई गई जब उसे मुंबई में छोड़ दिया गया था।